वेलकम बैक अगेन दोस्तों, आज की वीडियो में हम मारो कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बंदे कंफ्यूज रहते हैं कि मारो कैरेक्टर की एबिलिटी किस तरह से काम करती है, और आज की वीडियो में हम मारो कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग मारो कैरेक्टर की एबिलिटी को टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरह से काम करती है और करती भी है या नहीं करती है। और वीडियो के लास्ट में हम मारो कैरेक्टर के बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मारो कैरेक्टर को आपको कब यूज करना चाहिए। सबसे पहले नंबर हम बात करते हैं मारो कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। मारो कैरेक्टर की एबिलिटी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसकी एबिलिटी बहुत ही सिंपल है। OB32 अपडेट के बाद इस कैरेक्टर को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आप लोग स्टोर में जाकर के आसानी से खरीद सकते हैं। मारो कैरेक्टर की एबिलिटी के साथ अगर आप अपने एनिमी को जितनी दूरी से मारेंगे आपका डैमेज उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। नहीं आया ना समझ में आपको? कोई बात नहीं है, हम आगे प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। आप वीडियो को स्किप तो मत करो। अब टाइम है मारो कैरेक्टर की एबिलिटी को टेस्ट करने का। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, एक साइड में मारो कैरेक्टर की एबिलिटी का गेम प्ले चल रहा है और दूसरे साइड में विदाउट मारो कैरेक्टर की एबिलिटी का गेम प्ले चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं जितनी दूरी में बढ़ाता जा रहा हूँ उतना ही ज्यादा मेरा डैमेज इंक्रीज होता जा रहा है, जबकि अदर कैरेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं पास से भी डैमेज दे रहा हूँ तो भी सेम डैमेज पड़ रहा है, और दूर से भी डैमेज दे रहा हूँ फिर भी सेम डैमेज पड़ रहा है। तो मारो कैरेक्टर के साथ आप जितना ज्यादा दूरी बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा आपका डैमेज बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं मारो कैरेक्टर के बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में और आपको किस सिचुएशन में यूज करना चाहिए। सबसे पहले नंबर हम बात करते हैं मारो कैरेक्टर की बेस्ट सिचुएशन कौन सी है। आप लोगों को मारो कैरेक्टर का यूज क्लैश स्क्वाड में बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही 1v1 सिचुएशन में यूज करना है। वहाँ पर मारो कैरेक्टर आपके लिए यूजलेस साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को ज्यादा दूरी नहीं मिलती है। ज्यादातर फाइट आप लोगों को शॉर्ट रेंज में ही करनी पड़ती है। तो मारो कैरेक्टर का आपको यूज करना है केवल और केवल रैंक पुश यानी कि फुल मैप में। अब फुल मैप में क्यों करना है? फुल मैप में आपके पास में बहुत ज्यादा दूरी होती है। अगर आपसे स्नाइपर गन चलाते बन जाती है तो आप लोग जितनी ज्यादा दूरी से डैमेज देंगे उतना ज्यादा आपका डैमेज बढ़ता जाएगा। तो आप लोगों को मारो कैरेक्टर को फुल मैप में उपयोग करना है, क्लैश स्क्वाड और 1v1 को स्किप करना है, आप लोगों को यूज ही नहीं करना है। अब मारो कैरेक्टर के बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा हो सकता है? तो देखिए, एक्टिव स्लॉट में आप लोगों को यूज करना है बुकोंग कैरेक्टर का। मैंने बुकोंग को क्यों बोला है मैं आगे बताऊंगा। दूसरे स्लॉट में आपको यूज करना है मारो कैरेक्टर का। तीसरे स्लॉट में आप लोग यूज कर सकते हैं जोटा कैरेक्टर का, और लास्ट स्लॉट में आपको यूज करना है हायातो कैरेक्टर का। अब आपके पास में एक स्लॉट और बाकी रहता है जिसके बारे में कोई भी यूट्यूबर आपको बताता ही नहीं है, जो कि पेट का स्लॉट होता है। तो आप लोगों को पेट के स्लॉट में यूज करना है पांडा की एबिलिटी का। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को ये वाला कैरेक्टर और पेट क्यों यूज करना है। देखिए, आप लोगों ने दूर से किसी भी एक बंदे को मार दिया तो आपकी 4 एबिलिटी एक साथ यूज हो जाएंगी। अगर आपका बुकोंग चार्ज नहीं होगा तो एक किल करने पर आपका बुकोंग ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। उसके साथ मारो कैरेक्टर आप लोगों की जो डैमेज होगा वो ज्यादा बढ़ा देगा और आपके एनिमी को ज्यादा डैमेज पड़ेगा। और मैंने बोला था कि जोटा कैरेक्टर का भी यूज करना है, तो एक किल अगर आप करेंगे तो 40 HP आपको जोटा कैरेक्टर दे देगा। और देखिए, जो पैट आपने पांडा का यूज किया है वो भी एक किल पर 10 HP आपको रिकवर करके देता है। तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मारो के लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप लोग इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, पेट के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें, किसी तरह का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।